काए मूल्य ना कदी तथापि कहान वाणी ना अंकाए मूल्य ना कदी। GoDaddy offers hosting that's reliable and simple to set up. सावधान चालू करते हैं। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरंतानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नुसंवसाहु मोक्षमार्गस्य नेतारं वितारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे वंदे तद्गुणलब्धे वंदे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र नामक महान ग्रंथ उमा स्वामी आचार्य देव द्वारा रचित हम यहाँ पर देख रहे हैं। हम कौन से अध्याय को देख रहे हैं? दसवां अध्याय देख रहे हैं। कितनी सूत्र है टोटल दसवां अध्याय में?
नौ सूत्र है। कितने सूत्र अपने हो गए अभी तक, कितने हो गए? पांच है। एक बार जल्दी से सब लोग आ जाएं, तब तक अपन एक पांच मिनट में रिविजन करते हैं। सबसे पहले देखो मैं एक परिभाषा बताती हूँ आपको, मोक्ष की परिभाषा। मोक्ष किसका नाम है? अगर नास्ति से कहिए तो कर्मों से छूटने का नाम मोक्ष है। क्या कहा? मैं पहले परिभाषा बोलती हूँ, फिर आप रिपीट करना, ठीक है? कर्मों से छूटने का नाम मोक्ष है। क्या है मोक्ष की परिभाषा? कर्मों से छूटने का नाम मोक्ष है। अस्थि से कहे तो आत्मा में रमणता करने का नाम मोक्ष है। आत्मा में क्या करने का नाम मोक्ष है? रमणता करने का नाम क्या है? मोक्ष है। दो दो परिभाषा बताई, अस्थि और नास्ति। नास्ति से कहे तो क्या बताया मैंने अभी? नास्ति से कहे तो कर्म से छूटने का नाम क्या है? मोक्ष। और अस्थि से कहे तो आत्मा में रमणता का नाम क्या है? मोक्ष है। मोक्ष अपन ने देखा था ना, मो 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 शब्द, मोक्ष मो का क्षय होना। उस थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो ना इसमें माइक की। मो के क्षय का नाम मोक्ष है। मो के क्षय का नाम समर्थ बेटा क्या है? तो कहते हैं मोक्ष है। मोक्ष का नाम क्या है? मोक्ष है। तीन परिभाषा बताई अभी मैंने। एक तो बताई कि भाई कर्मों से छूटने का नाम क्या है? मोक्ष। आत्मा में रमणता का नाम क्या है? मोक्ष है। और तीसरी परिभाषा, मोक्ष के क्षय का नाम क्या है? मोक्ष है। कौन बताएगा ये तीन परिभाषा? हाँ बच्चों में से बताएंगे। हाँ तक्षिल बेटा बोलो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मोका क्षय करना, उसका नाम क्या है? मोक्ष है। अपन यहाँ पे मोक्ष तत्व देख रहे हैं। मोक्ष क्या है? अपनी मंजिल है, माने हमारा ध्येय है। हम सबको कहाँ पहुंचना है? हम सबको मोक्ष तत्व की प्राप्ति करनी है। और वो मोक्ष की प्राप्ति करनी है ना, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। रत्नत्रयी कुंजल भाभी, रत्नत्रयी क्या है? बीज है। रत्नत्रयी क्या है? बीज है। और मोक्ष जो है ना, मोक्ष वो वृक्ष है। मोक्ष सरोज आंटी क्या है? वृक्ष है। और रत्नत्रयी क्या है? बीज है। बीज के बिना, बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ऐसे रत्नत्रय के बिना हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। मैंने कल कहा था ना एक वाक्य, क्या वाक्य कहा था? पूर्णताना लक्ष्य शुरुआत, तेज साची शुरुआत छे। मीना आंटी क्या लिखा है? श्रीमत जी ने भी लिखा है अपूर्व अवसर में, दर्शन मोह व्यतीत थई उपजो बोध जो, देह बिन के देह बिन चै तन्य नु मात्र ज्ञान जो, हे पूर्व अनुसरे ए वो क्यारी आविषे। ज्ञान की तो कितनी महिमा गुरुदेशी गाते हैं ना, कि भाई केवल ज्ञान माने क्या? केवल ज्ञान माने आखा लोका लोक ने कोड़ियों करी नाखे, उसका नाम केवल ज्ञान है। कुछ बाकी नहीं रहता है केवल ज्ञान में, सब कुछ जानने में आ जाता है। प्रवचन सार में तो कितना वर्णन आया है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के लिए मैंने दो नाम बताए थे, एक कहते हैं शायिक ज्ञान, शायिक ज्ञान, दूसरा है अनंत ज्ञान, है ना? शायिक ज्ञान कहो, अनंत ज्ञान कहो, या क्या कहो? केवल ज्ञान कहो, ठीक है? तीन नाम, क्या क्या है तीन नाम बेटा? शायिक ज्ञान, केवल ज्ञान या अनंत ज्ञान। प्रवचन सार में नीलमणि का दृष्टांत दिया कि जैसे नीलमणि समुद्र में व्याप्त हो ना, तो नीलमणि समुद्र में व्याप्त है तो पूरा पानी कैसा हो जाता है?
कैसा हो जाता है, पूरा पानी नीला हो जाता है ना। दूध 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 में अगर नीलमणि डालने में आवे तो भाई पूरा दूध कैसा दिखता है, पूरा दूध नीला दिखता है। ऐसे कह रहे हैं कि केवल ज्ञान में लोकालोक जानने में आ जाता, कुछ बाकी नहीं रहता है। एक परमाणु मात्र भी जानने में क्या नहीं रहता है, बाकी नहीं रहता है। ऐसा गजब का शायिक ज्ञान, केवल ज्ञान, जो भूत और भविष्य को न जाने तो हम उस ज्ञान को केवल ज्ञान नहीं कह सकते है। वर्तमान वत जानता है, कैसा जानता है, केवल ज्ञान वर्तमान वत जानता है भूत और भविष्य को, इसलिए उसे क्या कहा है, दिव्य ज्ञान कहा है। माने हमें अभी तक केवल ज्ञान की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई है, कभी हमने विचार किया कि भाई हमें सिद्ध दशा की प्राप्ति क्यों नहीं हुई है, हमें मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हुई है, हम अनंत काल से संसार में क्यों रखड़ रहे हैं, कभी हमें भाई प्रश्न तो होना चाहिए ना। गुरुदेव जी कहते हैं ना कि संसार, संसार किसका नाम है, संसार संसरण इति संसार, स्वभाव से खिसकना उसका नाम क्या है, संसार। पन्ना आंटी रीता आंटी क्या कहा, संसार किसका नाम, स्वभाव से खिसकना उसका नाम क्या है, तो कहते हैं संसार है। और संसार का मूल कारण तो यही है कि जो अपना नहीं है उसे अपना माना, और जो अपना है उसे हमने कभी अपना नहीं माना, इसका नाम ही क्या है, संसार है। ये कहते हैं ना कि भाई कोई संयोग मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, संयोग मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, परंतु इन संयोगों को अपना मानना ये दुख का कारण। क्या कहा, फिर से, संयोगों को अपना मानना ये दुख का कारण है। विषयों में सुख नहीं है और विषयों में हम सुख मान रहे हैं, ये ही संसार का कारण। क्या, फिर से विषयों में सुख नहीं है और हम इन्हें क्या मान रहे हैं, सुख मान रहे हैं ना, हम मान रहे ना, कहा सुख मान के बैठे हैं, बोलो। हमें लगता है कि भाई हिल स्टेशन में से मुझे आनंद आएगा, हमें लगता है कि रसगुल्ले में से आनंद आएगा। आज खाया ना, क्या खाया, खाने में आप लोग ने क्या खाया, लड्डू खाया ना, लड्डू, तो हमें क्या लगता है लड्डू में से क्या आ रहा है, लड्डू में से आनंद आ रहा है लगता है ना। अब क्या पसंद है, पिज्जा में से क्या लगता है, आनंद आएगा, डोसे में से आनंद आएगा, ख्याल आ रहा है। हमें, हमने कहा सुख मान के हम बैठे हैं, हमें लगते दागिने में से, मोबाइल में से, आईफोन में से, आईपैड में से, लैपटॉप में से, हमें लगता है यहां सबसे हमें सुख मिल जाएगा। अगर उसमें सुख होता तो बोलो अब तक हम क्या होने चाहिए, सब सुखी होने चाहिए ना बेटा। हम विषय क्यों बदल रहे हैं, हम विषय बदल रहे हैं, कभी ये विषय, कभी वो विषय, कभी ये मतलब ये है कि इन विषयों में कहीं सुख नहीं है। बड़े पंडित जी की जयमाला में आता मिलीद नाही महाभाग्य से आप को देव पाया, क्या क्या कितनी गजब की जयमाला लिख दी है। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपाया। संसार भावना में लिखा है, बहुत सुंदर है वो, 12 भावना बहुत ही गजब की लिखी है उसमें। संसार भावना में 4 लाइन लिखी है, मंथन करे दिन रात जल गई रज रेत पेले रात दिन तेल जो पावे नहीं, सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार से, निज आत्मा के भान बिन सुख है नहीं संसार में, सुख है नहीं संसार में।
राग के परिणाम है, शुभ भाव है, शुभ भाव तो क्या अशुभ भाव भी है। परंतु गुरुदेव जी की भाषा में कहे कि ज्ञानी को राग का राग नहीं है। क्या नहीं है? राग का राग नहीं है। सूर्यरेखा भाभी, किसका राग नहीं है? राग का राग नहीं है। राग है, अस्थिरता जन्य राग तो है, परंतु क्या किसका अभाव हो गया है? विषयी भोग है, परंतु विषयों में से क्या उड़ गई? सुख बुद्धि उड़ गई है। छन्नू रानिया है, परंतु कैसी लगती है वो रानिया? बोलो, काले नाक समान लगती है, जहर समान लगती है। ऐसे लगता है कब इन संयोगों से छूटू और कब मैं मुनि दीक्षा धारण करके वन जंगल चला जाऊं। अंदर से भावना तो यही होती ज्ञानियों की, परंतु क्या करे, चारित्र की कमजोरी है ना, चारित्र की कमजोरी है। अब भी वो राग को जीत नहीं पा रहे, परंतु स्वभाव के बल से वो अस्थिरता जन्य राग को भी क्या कर लेंगे? जीत लेंगे। कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आ रहा है उसके जाननार है, आता है उसके ज्ञाता है। समझना बराबर, आता है ना राग, आता है उसके क्या है? ज्ञाता है। पूज्य बेंशी का एक बोल है वचनामृत में, आकाश मा पतंग गम्मे त्या उड़े, परंतु ज्ञानियों ना हाथ माथी, मैंने दृष्टांत में ना कि वो पतंग की डोर हाथ में से छूटती नहीं है। ऐसे कहते हैं कि भाई कैसे भी उदय आ जावे, कैसे भी परिणाम हो जावे, परंतु ज्ञानियों की दृष्टि में से भगवान आत्मा कारण परमात्मा कभी हटता नहीं है। अगर हम ज्ञानियों की, ज्ञानियों का मापदंड अगर बाहर से करें ना, तो हम उनको पहचान ही नहीं पाएंगे। क्या कह दिया मीना आंटी, है ना? क्योंकि ये मार्ग बाहर से बताने वाला मार्ग ही नहीं है। हमने अनंत बार हमने सेजल बेन क्या बदला, भाषा बदली। अनंत बार हमने क्या बदले? कपड़े बदले। अनंत बार हम कपड़े से रहित भी हो गए, निर्ग्रंथ दशा भी कितनी बार धारण की? अनंत बार की। अनंत बार हमने आत्मा की चर्चा भी की, नहीं की होगी चर्चा पंच परावर्तन में, क्या बाकी रखा होगा? आत्मा की चर्चा नहीं की होगी बच्चों, बोलो की के नहीं की? एक बार, दो बार की, अनंत बार, अनंत बार की, अनंत बार की। परंतु क्या नहीं हुआ, बोलो क्या नहीं हुआ? हाँ, आनंद नहीं आया ना, आनंद नहीं आया, आनंद का अनुभव नहीं हुआ। जैसे उदाहरण देते हैं ना कि भाई रसगुल्ले की कितनी भी चर्चा कर लो, रसगुल्ले की कितनी भी चर्चा कर लो, बोलो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आनंद आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। ऐसे कह रहे, आत्मा की कितनी भी चर्चा कर लो, परंतु क्या नहीं आ सकता है? आनंद नहीं आएगा। क्योंकि आनंद जो है ना, आनंद, अतींद्रिय आनंद, वो विकल्पातीत है, वो शब्दातीत है। वो कैसी दशा है, अद्भुत दशा है कि वो शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। उसका स्वाद तो स्वयं को ही क्या करना पड़ेगा, चखना पड़ेगा, है ना? पुरुषार्थ तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। हम संयोग के अधीन बैठे हैं, हमें लगता है कि भाई ये देव शास्त्र गुरु है तो हमारा काम हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। या जीव स्वयं पुरुषार्थ करेगा तो कार्य होगा, नहीं तो ये तीन काल में काम होने वाला नहीं है। अनंत बार हम विदेह क्षेत्र भी जाकर आ गए, परंतु वहां से भी गुरुदेव जी कहते हैं कि कोरो ने कोरो आवियो, पाछो कोरो ने कोरो आवियो, क्योंकि क्योंकि क्या नहीं किया, बोलो? उपादान ही नहीं जगा, दृष्टि आत्मा पर नहीं गई, तो अनंत बार वहां जाकर भी हम कोरे के कोरे रहे। और जिसको काम करना हो वो तो नरक में भी क्या कर लेता है, काम कर लेता है। हम तो खाली बहाना बनाते हैं ये भाई, अभी सहयोग बराबर नहीं है, अभी प्रतिकूलता है, अभी घर में सब बराबर हो जाए बाद में कर लूंगा, है ना, सब पुण्य का उदय आवे तब कर लूंगा। परंतु ये तो सब बहाने हैं। जिसको काम करना हो वो तो कोई भी परिस्थिति में, कोई भी अवस्था हो, वो अपना काम कर लेता है, सब अपने ऊपर है। गुरुदेव जी के तीन वाक्य मुझे याद आ रहे हैं, तीन वाक्य बोल में आता है कि इतना पुण्यहीन नहीं बनना, इतना पुण्यहीन नहीं बनना कि तत्व सुनने में ही न आवे। इतना क्षयोपशमहीन नहीं बनना कि तत्व समझ में ही न आवे।
और इतना पुरुषार्थहीन नहीं बनना कि ये तत्व रूप ही नहीं परिणमे। तो दोपहर के दो तो हमको अनंत बार मिले, पुण्य का उदय भी अनंत बार मिला और शयोपशम का उघाड़ भी अनंत बार हुआ, परंतु वो जो तीसरा वाक्य है ना, क्या वाक्य है? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, इसलिए मुझे आज तक आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई। हम आते हैं दसवें अध्याय के ऊपर, जिसमें पहला सूत्र हम सब एक साथ बोलेंगे। पहला सूत्र सब एक साथ आपके सामने प्रोजेक्टर पे अभी आ जाएगा। पहला सूत्र क्या है बच्चों, आप लोग बोलोगे एक साथ सब एक बार जोर से? मोक्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय शयाज केवलम। क्या बताया था इस सूत्र में अगर आपको याद हो तो? केवल ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, किसके क्षय से होती है, कौन से चार कर्म के क्षय से होती है, कौन बताएगा? चार कर्म के क्षय से, हाँ, दक्ष के बाजू वहां पे, वो कौन है, भूल गए नाम, सौम्य, सौम्य बताओ बेटा, चार कर्मों के नाश होने पर केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। बहुत एक बार जोरदार तालियां, है ना। देखो आपने दर्शन मोनी और चारित्र मोनी को अलग किया ना, परंतु अपन मोनी एक, दोनों को एक में ही गर्भित कर लो। मोनी, मोनी का अभाव होने पर, दर्शनावरणी ज्ञानावरणी और अंतराय के अभाव होने पर क्या होता है? केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। एक दो प्रश्न पूछ लेती हूँ पहले सूत्र के संदर्भ में। दर्शन मोनी का अभाव कौन से गुणस्थान में होता है? बोध। चारित्र मोनी का अभाव अंत में। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय का बारहवें के अंत में या तेरहवें की शुरुआत। क्लियर, बराबर, आगे बढ़े। दूसरा सूत्र पे आओ, अपन सूत्र बोलते हैं बंद हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष। इसमें क्या बताया था? दो चीज बताई थी ना, मोक्ष होने पर, मोक्ष किसके कारण से होता है? दो कारण से। कौन से दो कारण, कौन बताएगा, कौन सा बच्चा बताएगा? दो कारण से मोक्ष होता है, दो कारण से मोक्ष होता है, हाँ। वाह, अपने भव्य के बाजू में जो बैठा ना बेटा, बोलो क्या नाम है, भूल गई मैं आपका नाम, पार्थ बोलो बेटा, हाँ, और पूर्व कर्म की निर्जरा से। बहुत एक बार जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। बंद के हेतुओं का अभाव और पूर्व कर्म की निर्जरा होने पर, बंद के हेतु कितने हैं, बंद के कारण कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? बहनों में से कोई बताएगा? हाँ मीना आंटी बताइए। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। मिथ्यात्व विरति प्रमाद कषाय और योग। मिथ्यात्व कौन से गुणस्थान में जाता है? चौथ आंटी, हाँ चौथे में। बहुत बढ़िया, मिथ्य अविरति पांचवे में, प्रमाद सात में, कषाय बारहवे में और योग चौदहवे में। तो पांच कारणों का अभाव होने पर और पूर्व कर्म की निर्जरा होने पर जीव को क्या हो जाता है? मोक्ष होता है। दूसरे सूत्र में द्रव्य मोक्ष की बात है कि भाव मोक्ष की बात है? द्रव्य मोक्ष की बात है। आगे बढ़े अपन, इसके बाद अपन जाते तीसरे सूत्र पर, जिसमें कहा, सूत्र बोलते हैं औपशमिकादि भव्यत्वानां च। तीसरे सूत्र में द्रव्य मोक्ष की बात के भाव मोक्ष की बात? बहुत भाव मोक्ष की बात। ये बताया था ना मैंने कि मोक्ष होते ही क्या क्या निकल जाता है, क्या क्या निकल जाता है, कितनी प्रकृतियां, कितने भाव का अभाव हो जाता है, हाँ। पन्ना आंटी के बाजू में वो बहन जिनके तरफ से विधान, क्या नाम है आपका? हाँ हाँ, नहीं सुनाई दे नाम, हाँ बोलिए। बंद मोक्ष होने पर कितने भाव निकल जाते हैं, कितने भाव निकल जाते हैं आप बोलोगे? हाँ, पांच भाव में से कितने आप बोलोगे बेटा? बहुत बढ़िया, बोलिए 43, वेरी गुड। एक बार जोरदार तालियां, कौन कौन से गिनाओगे, एक बार गिनाओगे? अच्छा बोलिए, ट्राई करो, ट्राई करो, आएगा ऑप्शन में के दो, वेरी गुड 18, वेरी गुड 21, वेरी गुड
और पारिणामिक के दो, कौन कौन से? भव्यत्व और एक बार जोरदार तालियां। कितनी छोटी बच्ची और कितने सुंदर जवाब दे रही है। 43 निकल जाते हैं। कितने में से निकल गए? 53 में से 43 निकल जाते हैं। अब कितने बाकी रहे मोक्ष में? श्वेत बेटा 9 के 10 पक्का? 10। कौन कौन से 10? आज समय, समय जिनय, समय स्वयं, स्वयं संयम, बोलो बेटा। हाँ, 9 शायिक और 1 पारिणामिक। बराबर, 9 शायिक और 1 पारिणामिक। संयम के लिए जोरदार तालियां। 9 शायिक और 1 पारिणामिक। एक पारिणामिक का कौन सा? जीवत्व। इतना है, बाकी सब निकल गया। ठीक है ना, आगे बढ़े अपन फोर्थ सूत्र पे। देखो भव्यत्व, एक प्रश्न हो सकता है, प्रश्न हो सकता है ना, समय कम है ना इतना, इसलिए मैं कल भी मैं भूल गई थी, मेरे मन में तो ये था ही लेना। आप बोलोगे कि मोक्ष में भव्य भव्यत्व नहीं होता है? भव्यत्व नहीं होता है मोक्ष में? मोक्ष में भव्य जीव तो मोक्ष जाते हैं, तो मोक्ष में भव्यपना नहीं है? प्रश्न हो सकता है ना, क्योंकि हमने भव्य की परिभाषा क्या पढ़ी है? भव्य किसका नाम है? भव्य किसका नाम है? जो मोक्ष जाने के लायक हो उसका नाम क्या है? भव्य है। जो मोक्ष जाने के लायक है वो जीव भव्य है। अब उस जीव का मोक्ष हो गया, उस जीव का मोक्ष हो गया तो अब उसका भव्यपना वहां है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी भव्यपना की क्या हो गई? प्रगटता हो गई, पूर्ण प्रगटता हो गई ना, इसलिए मोक्ष गया, वो जीव मोक्ष गया, तो अब वहां पे क्या नहीं है? भव्यपना। क्योंकि भव्यपना पूर्ण रूप से वहां पे क्या हो गया कुंजल भाभी? क्या हो गया? प्रगट हो गया। तो अब वहां पे क्या नहीं है? तो कहते भव्यपना नहीं है। क्लियर? बराबर। अभव्यपना है कि नहीं? अभव्यपना, अभव्य, अभव्य तो है ही नहीं ना। अभव्य तो कहां से आगे नहीं जा सकता है? अरे रीत बेटा सुनो सुनो, अभव्य जीव कौन से गुणस्थान से आगे नहीं जा सकता? हाँ, पहले से आगे जा ही नहीं सकता है, ठीक है ना। और हम सब क्या है? हम सब भव्य की अभव्य, पक्का है ना, कोई शंका ही नहीं। हम सब क्या है? भव्य ही है। आता है ना पद्मनंदी पंचविंशति का में लिखा है, क्या लिखा है? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितम सद्भवेद् भव्यो भाव निर्वाण भाज। जो जी प्रीति पूर्वक ये बात को सुनता है, सुनता है, गुरुदेव जी कहते हैं बात काने पड़वी पण दुर्लभ छे। आ काळमां बात काने पड़वी पण दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हम ही देखते हैं भाई कितनी संख्या है और कितने कम जीव हैं जिनको ये तत्व रुचता है, जिनको ये बात अच्छी लगती है, जो ये बात सुनने आता है, जो ये बात सुनकर उसे हकार आता है कि ये बात सत्य है और कोई बात सत्य नहीं है। मैं तो इन बच्चों को बहुत बार कहती हूं कि आप बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। कितने बच्चे हैं दुनिया में, कितने बच्चे हैं इंडिया और वर्ल्ड में, आप देखो कितने बच्चे हैं, परंतु बोलो ये बच्चे कितने लकी हैं? आप कितने लकी हो कि इतने बच्चों में से ये चैतन्य धाम में पढ़ने के लिए किसका नंबर लगा? आपका नंबर लगा। आप अभी टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर हो, क्योंकि भाई ये संस्था में, ये यहाँ पे चैतन्य धाम में पढ़ना आने के लिए, भाई कहते ना चक्रवर्ती से भी अनंत गुणा पुण्य बांध कर आए हो तब क्या मिलता है कि भाई ये तत्व ज्ञान की पढ़ाई मिलती है। आप बहुत लकी हो, 3 साल है आपके पास, खूब मेहनत करना, खूब पढ़ाई करना, ये अवसर बार बार नहीं आएगा। ये आपके लिए बहुत कीमती समय है, बहुत कीमती समय है। 3 चीज बड़े पंडित जी कहते हैं, समय बुद्धि और शक्ति का सदुपयोग करो, सदुपयोग करो। क्यों विकथा में क्यों समय बर्बाद करे, क्यों टाइम वेस्ट करे? कितना कम है अपने पास, समय कम है, बुद्धि कम है, शक्ति कम है। यहाँ वहां की बातें करके क्या मिलने वाला है? इसकी बात, उसकी बात, या उस घर की बात, इनके घर की बात, क्या मिलने वाला है? क्या दम है इन सब बातों में? काम भोग बंधन की कथा तो अनंत बार की के नहीं की, बोलो अपन ने की के नहीं की? एक बार भी हमने क्या नहीं की है? एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की हमने कथा नहीं की है। इस कथा करने के लिए या आत्मा की चर्चा करने के लिए हमें यह अवसर मिला है ना। कहते ना पंडित टोडल मल जी कि सब अवसर आ चुका है, सब अवसर आ चुका है।
खूब पढ़ाई करो, खूब मन को पढ़ाई में लगाओ, उपयोग को खूब पढ़ाई में लगाओ, क्योंकि आप देखो दूसरे जो बच्चे हैं, दूसरे जो बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, वे तो सब अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, या तो टीवी में, या तो मोबाइल में, या तो घूमने फिरने में, इन सब में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और आप देखो आपका समय का कितना सदुपयोग हो रहा है, आपका लौकिक पढ़ाई तो हो रही है आपकी, परंतु साथ में आपकी क्या हो रही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, धार्मिक पढ़ाई भी हो रही है, ख्याल आ रहा है ना। तो ऐसी गजब की भाई गुरुदेव ने हमें गजब का तत्व दिया है। हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते चौथे सूत्र पर। चौथा सूत्र एक बार साथ में बोलते हैं, अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य। एक बार साथ में आवाज नहीं आई, जोर से एक बार, जोर से। एक बार जोर से बहुत बढ़िया है ना। इसमें क्या बताया था कि अब मोक्ष में क्या है, क्या है, कितनी चीजें हैं, कितनी चीज, हाँ दक्ष बेटा बोलो, कितनी चीजें, चार, कौन कौन सी, केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, दर्शन और सिद्ध, के सिद्धत्व के आगे केवल नहीं लगाना, ठीक है, सिद्धत्व, सिद्ध, सिद्धत्व, हाँ। और एक और बच्चा कोई बोलेगा, बोलिए, हाँ बोलो बेटा, दक्ष, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां दोनों के लिए, है ना। और नयांश एक बार बोलो बेटा, चार चीजें कौन कौन सी, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। अच्छा आपको एक वो याद है क्या, आठ कर्म के सामने आठ गुण कौन से प्रकट होते हैं, कल एक बार अपन ने किया था, किसी के ऊपर फटाफट कोई बोल जाएगा, फटाफट कोई जल्दी से, कौन बोलेगा, समर्थ आप बोलोगे, बोलो बेटा बोलो, ज्ञानावरणी के सामने पहला ही रॉन्ग बोल दिया, अभी तो मैं बोल रही हूँ फटाफट बोल जा रहा, तो अभी पहला ही रॉन्ग कर दिया, अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी के सामने, अच्छा एक साथ बोलो, मोहनी के सामने, मैंने बोला था, बोला था, कुछ बोला था आपको, शाइक, वेरी गुड, अंतराय के सामने, अनंत वीर्य, वेदनीय के सामने, आर्यन बोलो बेटा, वेदनीय के सामने, अनंत सुख, अव्याबाद, आयु के सामने, सूक्ष्मत्व, रॉन्ग, आयु के सामने, अवगानत्व, नाम के सामने, सूक्ष्मत्व, और गोत्र के सामने, अगुरलघुत्व, ठीक है ना, एकदम पक्का हो गया ना। अब आगे बढ़ते, चलो पांचवें सूत्र पर आओ जल्दी से, फिफ्थ नंबर के सूत्र पर। फिफ्थ नंबर के सूत्र पर क्या कहा, तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात। एक बार सब साथ में, तदनंतर मूर्ध्वम, तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात। ये इसमें बताया था ना, क्या बताया था, क्या बताया था कि चौदहवें गुण स्थान में चार अघाती कर्मों का अभाव होने पर अनंतर, अनंतर माने क्या, अनंतर, अनंतर माने अनंतर, अनंतर का अर्थ लिखो, अनंतर, अनंतर माने बिना अंतर के, बिना गैप के, चौदहवें के अंत में जहां चार अघाती कर्मों का अभाव हुआ, तो बिना गैप के, बिना अंतर के क्या हो गया, क्या हो गया, गच्छत्ति, गच्छत्ति का अर्थ बता, गच्छत्ति माने बहुत, गमन करना, कहां गमन होता है, कैसा गमन होता है, ऊर्ध्वगमन, कहां होता है, लोक के अंत तक, आलोकांतात, आलोकांतात, आलोकांतात का अर्थ क्या था, आ माने क्या, आ माने मैंने बताया था, आ माने आलोक नहीं, आलोक नहीं, आ माने क्या, आ माने क्या, आ शब्द क्या सूचक, किसका सूचक है, किसको सूचित करता है, आ, कल लास्ट में बताया था, हाँ, आ माने मर्यादा, आ माने लिमिट, आ माने पर्यंत, लोक पर्यंत, कहां तक गमन कर सकता है वो जीव, लोक पर्यंत, लोक के आगे नहीं, लोक के आगे, लोक के बाहर
नहीं, परंतु लोक पर्यंत वो जीव क्या करेगा, गमन करेगा। तो लोक के अंत में जाकर सारे सिद्ध भगवान क्या हो गए हैं, विराजमान हो गए हैं। कल मैंने एक समझाया था ना कि सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर है कि सिद्ध भगवान सिद्ध शिला के ऊपर, ऊपर का कौन सी वलई, तनुवात वलई, जैनिल बराबर पक्का तनुवात, तीन वलई कौन सी, तीन वलई कौन सी बोलो, आर्ज आत्मन गणोदी घनवात और वेरी गुड, बच्चों को याद रहेगा तीन वलयों के नाम, गणोदी घनवात वलय और तनुवात वलय। तो सारे सिद्ध भगवान कहाँ है, सारे सिद्ध भगवान तनुवात वलय में है। आगे बढ़े अपन, जाते अपन आगे। अब आज अपन को करना है छठा और सातवां सूत्र, छठा और सातवां सूत्र अपन आज देखेंगे। आपकी क्विज है ना कल रात को होगी, तत्वार्थ सूत्र के दसवें अध्याय पर क्विज रात को होगी। कल दोपहर में और दो सूत्र चलेंगे, कौन से दो, आठवां और नौवां, ठीक है ना, बराबर। आगे बढ़े, छठवां सूत्र अपन बोलते हैं साथ में, तोड़ तोड़ के बोलते हैं, शांति से बोलते हैं। आपके सामने देखो सूत्र आ गया स्क्रीन पर, पूर्व प्रयोगा, जोर से पूर्व प्रयोगा, पूर्व प्रयोगा दसंगत्वाद, दसंगत्वाद बंद छेदात, छेदात तथा गति परिणामाच, तथा गति परिणामाच, तथा गति परिणामाच, फिर से बोलते पूर्व प्रयोगा दसंगत्वात् बंद छेदात तथा गति परिणामाच। यहाँ पे अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ऊर्ध्व गमन करने के कारण क्या है, कौन सा कारण ऐसा है कि जीव ऊर्ध्व गमन करता है। ऊपर का ना ऊर्ध्व गमन, ऊर्ध्व गमन करके लोक के अग्र भाग में जाकर विराजमान हो जाता है। तो फिर प्रश्न किया शिष्य को कि भाई ऊर्ध्व गमन करने के कारण क्या है, जीव ऊर्ध्व गमन क्यों करता है। तो उसके चार कारण बताए, कौन से नंबर के सूत्र में, कौन से नंबर के सूत्र में, छठे नंबर के सूत्र में क्या कारण है, एक बार मैं बोलती हूँ शांति से। देखो पहला बताया पूर्व प्रयोगा, पूर्व प्रयोग, पूर्व प्रयोगा माने पूर्व प्रयोग के कारण, पहला कारण पूर्व के प्रयोग के कारण, पूर्व के प्रयोग के कारण लिखा आपने, लिखा पहला कारण लिखा, क्या लिखा बेटा, क्या लिखा बोलो जैनम, बेटा क्या लिखा, आप लोग सब जैनम हो, नहीं तो जैनम ही बोलेगा, बोलो बेटा, बहुत बढ़िया। पहला कारण, दूसरा संघ का अभाव होने के कारण, दूसरा क्या कहा, तीसरा बंद का छेद होने के कारण, बंधन से छूटने के कारण, बंधन से छूटने के कारण, ठीक है ना। और चौथा लिखो कि वैसा गमन करना स्वभाव है, ऊर्ध्व गमन करना जीव का क्या है, स्वभाव है, इसीलिए जीव क्या करता है, ऊर्ध्व गमन करता है। फिर से मैं बोलती हूँ सूत्र पर देखो आप, सूत्र के आधार से अपन देखते हैं, पूर्व प्रयोगाद माने पूर्व के प्रयोग के कारण, असंगत्वाद संग के अभाव के कारण, तीसरा बंद छेदात बंद के छेदन के कारण, बंद का छेद होने के कारण, और चौथा तथा गति परिणामाच माने तथा गति माने वैसी ही गति करने का, परिणाम माने स्वभाव, परिणाम माने क्या, स्वभाव, कैसा स्वभाव है जीव का, कैसा स्वभाव है, ऊर्ध्व गमन करने का स्वभाव है। हम सबका, सब जीवों का स्वभाव कैसा है, ऊर्ध्व गमन करने का प्रतिमांडी कैसा है, स्वभाव है। क्लियर, बराबर। फिर से मैं बोलूं चार कारण, एक बार फिर से मैं बोलूं, कौन सा है, पहला कारण
पूर्व प्रयोग के कारण। दूसरा असंगत्वाद माने संग के अभाव के कारण। तीसरा बंद के छेदन के कारण, अभाव के कारण। और चौथा कैसा स्वभाव है, ऊर्ध्वगमन करने का जीव का ही स्वभाव है, इसीलिए जीव क्या करता है, ऊर्ध्वगमन करता है। ठीक है ना, चार कारण बताए, कौन बताएगा चार कारण जीव ऊर्ध्वगमन क्यों करता है। हाँ कोई यहां से बताएगा बहनों में से। हाँ आंटी बताओ, कुंजल आंटी के, कुंजल भाभी के पीछे बैठे ना, उनका नाम क्या है, सीमा आंटी बताइए। हाँ बहुत बड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, बहुत होशियार है बहन ने तो है ही, सब चैतन्य धाम के अहमदाबाद के, है ना। देखो क्या कहा, चार कारण बताए, कौन से चार कारण, एक बार बच्चों में से भी एक बार बोल जाए कोई। हाँ कौन बोलेगा पीछे, मार्मिक के, अच्छा नयांश, अंश 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 बोलो, बहुत जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। चार कारण आपको समझ में आ गया, ये चार कारण से जीव क्या करता है, ऊर्ध्वगमन करता है। अब सबसे पहला प्रश्न होगा आपका, देखो एक मुझे अभी याद आया, मैं भूल जाऊं उसके पहले मैं बता दूं, यार जो चौथा सूत्र है ना, चौथा सूत्र में क्या कहा था कि मोक्ष होने पर क्या है, चार चीजें कौन कौन सी है भाई, केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, है ना, ये चार चीजें बताई थी। तो अभी आपका प्रश्न होगा कि दीदी आपने तो आठ गुण बताए ना, आठ गुण भाई, ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, वीर्य, वीर्य है ना, तो भाई यहाँ तो वीर्य तो बताए नहीं मोक्ष होने पर, मोक्ष होने पर तो खाली चार चीजें ही बताई, खाली चार चीज बताई, वीर्य नहीं लिया, सुख नहीं लिया, तो क्या सिद्ध भगवान को सुख नहीं है, सिद्ध भगवान को वीर्य नहीं है, प्रश्न समझ में है, प्रश्न क्या है, या चौथे सूत्र में कहा कि मोक्ष होने पर चार चीजें है, बाकी कुछ नहीं है, चार चीजें है, तो चार चीजें में कहीं सुख का नाम तो नहीं आया, कहीं वीर्य का नाम तो नहीं आया, तो प्रश्न हो सकता है ना कि भाई सिद्ध भगवान को सुख नहीं है, सिद्ध भगवान को अनंत वीर्य नहीं है, तो कि है यहाँ पे उल्लेख नहीं किया, क्यों, क्योंकि अनंत ज्ञान जहां प्रकट होता है ना, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, उसके साथ अनंत सुख, अनंत वीर्य अपने आप प्रकट हो जाता है, अपने आप है ही, जहां एक है बाकी के सब है कि नहीं है, अनंत सुख भी है और अनंत वीर्य भी है, वो अनंत ज्ञान में सब कुछ गर्भित कर लिया, अलग से नहीं बताया है, क्यों नहीं बताया है, क्योंकि ज्ञान और सुख के बीच में अविनाभावी संबंध है, कौन सा संबंध है, अविनाभाव, जहां जहां अनंत ज्ञान है वहां वहां अनंत सुख है, और जहां जहां अनंत सुख है वहां वहां अनंत ज्ञान है, ज्ञान और सुख के बीच में, ज्ञान और वीर्य के बीच में कौन सा संबंध है, अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य के बीच में अविनाभावी संबंध है, क्या ला रहा है ना, एक प्रगट हुआ तो बाकी के अपने आप प्रगट हो जाते हैं। पहले एड आती थी ना टीवी में, एड आती थी ना, एक पर एक फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, है ना, बॉर्नविटा लो तो भाई उसके साथ वो क्या फ्री आता था, आपको क्या मिलता था, है ना, बॉल बैट फ्री, है ना, वन बाय वन गेट वन फ्री, ऐसे केवल ज्ञान हुआ तो बोलो अनंत सुख भाई कैसे लाना पड़ता है कि अपने आप मिल जाता है, ऐसी गजब की दशा है, बहुत गजब की दशा, अनंत काल सादी सुखमय दशा में वो जीव क्या हो जाता है, विराजमान हो जाता है। प्रवचन सार में आता है, उसके लिए कहा है मोक्ष दशा के लिए, उत्पाद विनानो व्ययी, अने व्ययी विनानो उत्पाद, ऐसा उत्पाद हुआ किसका, किसका, सिद्ध दशा का, ऐसा उत्पाद हुआ कि अब उसका कभी क्या नहीं होगा, व्यय नहीं होगा, और संसार दशा का ऐसा व्यय हुआ कि अब वापस कभी उसका उत्पाद नहीं होगा, गए तो गए, अब वहां से आना है तो हम वापस नहीं आ सकते हैं, है ना, एक बहुत सुंदर मेरे ख्याल से सुमत जी भाई साहब की वो भक्ति है, बहुत बार अपन गाते भी है, अपने वतन में मम्मी नहीं है,
अपने वतन में पापा नहीं है, तो क्या है, क्या है, चारों ओर क्या है, सिद्ध ही होंगे चारों ओर। चलो रे भाई अपने वतन में, चलो चलो रे भाई अपने वतन में चलो। ठीक है ना, जाना है ना सबको सिद्धालय, जाना है कि नहीं जाना, सबको जाना है कि नहीं जाना। अरे हाजी या नाजी, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा पूर्व प्रयोग। अब आपका प्रश्न होगा ये पूर्व प्रयोग क्या होता है दीदी, पूर्व प्रयोग माने क्या? तो मोक्ष होने के पहले, मोक्ष होने के पहले पूर्व में जो प्रयोग किया ना, पूर्व में प्रयोग, पूर्व में क्या किया, जो पुरुषार्थ किया, प्रयोग किया, उसके कारण से क्या हो गया, तो उससे मोक्ष हो गया। ख्याल आ रहा ना, पूर्व के प्रयोग के कारण से वो जीव क्या करता है, ऊर्ध्वगमन करता है। जैसे जैसे भाई बहुत सारे दृष्टांत है, एक का दृष्टांत से समझाती हूँ कि भाई अपन वो साइकिल का जो पेडल होता है ना, पेडल साइकिल का, तो एक बार उसको मारते हैं ना, फिर उसको छोड़ देते हैं, मारना बंद कर दे, तो भी उसके बाद भी, उसके बाद भी थोड़े समय के लिए आप देखना, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, वो बंद नहीं होगा, घूमता ही रहेगा। ऐसे कह रहे हैं पूर्व प्रयोग के कारण से, पूर्व के पुरुषार्थ के कारण से, पूर्व में जो शपक श्रेणी का पुरुषार्थ किया था उसके कारण से वो जीव कैसे गमन करता है, ऊर्ध्व गमन करके लोक के अंत में जाकर विराजमान हो जाता है। दूसरा का संग का अभाव। कौन से संग का अभाव? नौ कर्म, नौ कर्म, नौ कर्म में क्या लेना, नौ कर्म में शरीर से लेके सारा जो बार में स्त्री पुत्र घर परिवार कुटुंब जो सब थे, उन सब का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। तीसरा बंधन के छेदन होने पर, यहाँ पे कौन सा कर्म लेना, बंधन का छेद माने द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म के अभाव होने पर वो जीव क्या करता है, ऊर्ध्व गमन करता है। और चौथा का जीव का ऊर्ध्व गमन करना क्या है, स्वभाव है, इसलिए ऊर्ध्व गमन करता है। अब चार दृष्टांत दिए, इन चीजों को समझाने के लिए चार दृष्टांत दिए सातवें नंबर के सूत्र में, सातवें नंबर के सूत्र में बहुत गजब के, इतने सुंदर, इतने सुंदर दृष्टांत उमा स्वामी आचार्य देव ने दिए हैं। हम पहले सूत्र पढ़ते हैं, तोड़ तोड़ के अपन बोलेंगे। हाँ जैनिल बेटा बोलो, कोई प्रश्न है बेटा? हाँ जीव का स्वभाव, जीव का जो स्वभाव है ना, त्रिकाल स्वभाव, त्रिकाल स्वभाव वो कैसा है, तो कहते ऊपर उठने का स्वभाव, ऊपर जाने का, है ना, ये त्रिकाल स्वभाव है। तो अभी हम चार गति में परिभ्रमण क्यों कर रहे हैं चार गति में, क्योंकि अभी हम सब बंधन सहित है, भार सहित है, बंधन। देखो लौकिक में भी हम देखते हैं ना कि भाई किसी के माथे पर भार हो ना, किसी के माथे पर भार हो तो वो नियम से डूबता है, डूबता है, और उसके सिर पर से भार उतर जावे तो वो कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता, निर्भर हो जाता है कि भाई जो टेंशन था वो सब क्या हो गया, उतर गया, निर्भर हो गया। ऐसे जीव का स्वभाव, त्रिकाल स्वभाव तो ऊपर उठने का, ऊपर जाने का है, परंतु पर्याय में स्वभाव की विराधना करके, स्वभाव को भूलकर ये जीव अनादि काल से क्या कर रहा है, तो कह रहे चार गति में परिभ्रमण कर रहा है, डूब रहा है, नीचे जा रहा है, कहीं निगोद में, नरक में, क्यों, क्योंकि कर्म के भार सहित है इसीलिए। परंतु स्वभाव तो हम सबका कैसा है, स्वभाव कैसा है, ऊपर उठने का है, बराबर ना, क्योंकि कर्म से हम क्या हो सकते हैं, रहित हो सकते हैं ना, कर्म से क्या हो सकते हैं, रहित हो सकते हैं, बराबर ना, कर्म निकल जाते हैं और मेरा स्वभाव जैसा है वैसा पर्याय में क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है, उसका नाम ही क्या है, मोक्ष दशा है। तो यहाँ पे कहा संग के अभाव के कारण, बंधन से छूटने के कारण, और वैसा ही स्वभाव क्या है, जीव का ऊर्ध्वगमन करने का है। उसके लिए चार दृष्टांत दिए, बहुत सुंदर दृष्टांत दिए सातवें सूत्र में। अपन सूत्र बोलते हैं आविद्ध 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 कुलाल चक्रवद। अब एक साथ बोलना ये पूरा शब्द, आविद्ध कुलाल चक्रवद, आविद्ध कुलाल चक्रवद,
फिर से आविद्ध कुलाल चक्रवद्ध, ये एक दृष्टांत, पहला दृष्टांत हुआ। दूसरा व्यपगत लेपालाबुवद, व्यपगत लेपालाबुवद, व्यपगत जोर से व्यपगत लेपालाबुवद, 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 व्यपगत लेपालाबुवद, एरंड बीजवद, एरंड बीजवद, एरंड बीजवद, अग्निशिखावच, अग्निशिखावच, अग्निशिखावच। फिर से एक बार, एक एक दृष्टांत तोड़ तोड़ के अपन बोलते हैं, आविद्ध कुलाल चक्रवद, कौमा लगा दो, कौमा लगा दो, वो एक दृष्टांत कौमा। अब आगे व्यपगत लेपालाबुवद, एरंड बीजवद, अग्निशिखावच, बराबर। अब एक साथ पूरा बोले नहीं, क्यों? अच्छा नहीं तो आर्ज, अच्छा नहीं पूछू मैं उसको। अच्छा आविद्ध कुलाल चक्रवद, व्यपगत लेपालाबुवद, एरंड बीजवद, अग्निशिखावच। सबसे पहला दृष्टांत दिया, किसका दृष्टांत दिया है? कुम्हार के चक्र का, किसका दिया है, बराबर। अब देखो पहला नाम है ना यहाँ पे आविद्ध, आविद्ध का अर्थ लिखो, आविद्ध माने घुमाए हुए, आविद्ध माने घुमाए हुए, आविद्ध माने घुमाए हुए। फिर कहा कुलाल, कुलाल माने होता है कुम्हार, कुलाल माने कौन, कुम्हार, कुलाल, कुलाल माने होता है कुम्हार। चक्र, जो कुम्हार का चक्र होता है ना, कुम्हार का चक्र, आपने देखा है कभी जो घड़ा बनाता है कुम्हार, है ना, जब घड़ा बनाता है कुम्हार तो नीचे वो क्या होता है, वो चक्र होता है, और वो चक्र के बीचों बीच एक डंडा होता है, डंडा, वो डंडे को वो क्या करता है, वो डंडे को एक बार जोर से हिलाता है, जोर से हिलाता है, और फिर वो डंडा निकाल देता है, और उसके बाद भी वो नीचे का जो चक्र है ना वो क्या होता है सेजल बेन, वो घूमता रहता है, वो घूमता रहता है, जोर से घूमता रहता है, और वो मिट्टी का वो जो है ना ढगला पिंड, वो उसके ऊपर चक्र के ऊपर रखता है, और उसके बने वो अपने वो हाथ से क्या करता जाता है, वो शेप देता जाता है, वो मटके को, वो घड़े को क्या देता जाता है, शेप देता जाता है। वो एक बार घुमाया, उसके बाद भी वो क्या होता रहा, वो चक्र क्या होता रहा, घूमता रहा ना, घूमता रहा, तो क्यों घूमता रहा, क्यों घूमता रहा, पूर्व प्रयोग के कारण। पूर्व में उसने क्या किया था, एक बार घुमाया, और उसके बाद भी वो क्या होता रहा, घूमता रहा ना। ऐसे कह रहे कि कुमार के चक्रवद, कुमार के चक्र के समान, कुमार के चक्र के समान। आविद्ध माने क्या, आविद्ध का अर्थ कौन बोलेगा, आविद्ध का अर्थ, आविद्ध माने क्या, हाँ खोश के बाजू में, क्या नाम है, ध्यान, ध्यान, हाँ बोल बेटा, हाँ घूमे हुए। और कुलाल माने कुमार, बहुत बढ़िया, तो घूमे हुए कुमार के चक्र के समान। एक बार घुमाया माने पूर्व में जो शपक श्रेणी का पुरुषार्थ किया उसके कारण से वो जीव कहाँ चला गया, ऊर्ध्व गमन करके लोक के अग्रभाग में विराजमान हो गया। अब हो गया पहला, पहला पहला दृष्टांत। दूसरा व्यपगत लेपालाबुवद, व्यपगत, व्यपगत का अर्थ लिखो, व्यपगत माने क्या, व्यपगत माने रहित तो हो जाना, व्यपगत माने रहित तो हो जाना, व्यपगत माने रहित तो हो जाना, व्यपगत माने क्या, रहित तो हो जाना। और व्यपगत लेप, लेप, लेप आया ना, लेप शब्द क्या आया, लेप, लेप फिर है अलाबू, अलाबू, अलाबू माने क्या, अलाबू माने तुमड़ी, तुमड़ी, तुम्बी भी कहते हैं हिंदी में उसको, तुम्बी, तुम्बी माने क्या, आपने वो कद्दू देखा है, कद्दू,
कद्दू देखा है, कद्दू वो फल होता है ना जो खाते कद्दू, उसको तुमड़ी कहते हैं, कद्दू को कहते हैं अलाबू, कद्दू का नाम है। कद्दू होता है ना जो कद्दू, उसका स्वभाव कैसा होता है पता है, उसको पानी में डालो ना तो वो पानी में तैरता है, वो पानी में डूबता नहीं है कद्दू जो होता है वो। हाँ हाँ, तो वो तैरता है, उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो अंदर डूबता नहीं है पानी में। परंतु यह तो बताया कि अगर उस कद्दू के ऊपर मिट्टी का क्या लगावे, अगर लेप लगाए ना मिट्टी का लेप, अगर वो मिट्टी का लेप लगाएंगे कद्दू के ऊपर तो बोलो वो कद्दू तैरेगा कि डूबेगा? पक्का पक्का डूबेगा है ना। और जब वो पानी में गया अंदर और उसके बाद वो मिट्टी पानी के कारण से निकलती जाएगी ना तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर ऊपर तैरने लगेगा। ख्याल आ रहा है? तो ऐसा ही मेरा स्वभाव है, जब तक कर्म का लेप है, जब तक ये सारे सारे संयोग है, नौ कर्म है, तब तक ये जीव क्या है संसार में, डूबा है, संसार में रखड़ रहा है, चक्की में पीस रहा है। यार समय सार में दृष्टांत दिया ना। और जहां वो कर्म के लेप से, संयोग से, नौ कर्म से रहित हो गया तो बोलो वो जीव क्या करता है, ऊर्ध्व गमन कर कर ऊपर चला जाता है। ऐसा ये दूसरा दृष्टांत दिया। तीसरा दृष्टांत दिया एरंड बीजवत। एरंड बीजवत, एरंड का बीज होता है ना, एरंड एरंड एरंडी का बीज, एरंड का जो बीज होता है उसका पता है आपने कैसा होता है उसका स्वभाव, वो छिलके के अंदर होता है और जब उसका छिलका खोलते हैं ना, जैसे वो उसका छिलका खोलते हैं तो वो तुरंत ऊपर उछलता है, ऊपर उछलता है। दृष्टांत भी देखो आप आचार्य ने कैसे दिए है, ऊर्ध्व गमन स्वभाव समझाने के लिए ये चार दृष्टांत दिए। तीसरा दृष्टांत किसका दिया बेटा, किसका दिया, एरंड के बीज का। तो एरंड का जो बीज है समर्थ बेटा कैसा है, वो उछलता है, खुलते ही वो छिलका निकलते ही वो क्या हो जाता है, उछलता है, बाहर निकलते उछल जाता है, ऊपर उठता है। और चौथा दृष्टांत दिया अग्नि की शिखा के समान। किसकी शिखा के समान, देखो आप अग्नि के ऊपर कुछ भी ढाको ना, कुछ भी बर्तन आप ढाको और फिर वो बर्तन आप उसके ऊपर से निकाल दो तो भी वो शिखा, बोलो उसकी जो लौ होती है ना, ऊपर की तरफ ही जाएगी, क्योंकि अग्नि की शिखा का स्वभाव ही ऊपर की तरफ जाने का है। ऐसे हम सब का स्वभाव कैसा है, ऊपर जाने का है, नीचे जाने का हमारा स्वभाव नहीं है। परंतु हम क्यों अनादि काल से ये चार गति में घूम रहे हैं, आता है ना भक्ति में क्या गाते हैं, हमने तो घूमी चार गतिया न मानी जिने वाणी की बतिया। और फिर कसम भी खाते अपन भक्ति में, क्या कसम खाते अपन भक्ति में, क्या गाते हैं, शाम को आप लोग गाते हो ना, अब तो गतियों में ना ही रुलेंगे निजानंद पान करेंगे, अब तो भव भव का नाश करेंगे निजानंद पान करेंगे। क्या करेंगे, बड़े पंडित जी कहते हैं हमारा, हमारे पास दो ही काम है, दो ही काम, कौन से दो काम, लिख लो आप लोग लिख लो, दो काम कौन से, दो ही काम, एक तो आराधना और एक प्रभावना, दो काम कौन से, मोक्ष बेटा रीत बेटा, कौन से दो काम, आराधना और आपके पीछे कौन बेटा है, धवल बेटा बोलो, आगे वापे जिन्नई, आराधना और प्रभावना, पीछे मोक्ष बेटा, आराधना और कृष का देख रहे हो वहां पे, अभी मैं हूं कि यहां हूं, वहां पे दिख रही हूं तो यहां देखो, बोलो कौन से दो काम, आगे वहां पे यहाँ पे, आराधना और प्रभावना, दो ही काम हमें इस मनुष्य भव में करना है, क्या करना है, आराधना और प्रभावना, ये ही मेरे एजेंडा पे दो काम होने चाहिए और कोई काम नहीं है। आराधना और आत्मा की आराधना और तत्व ज्ञान की प्रभावना, हर घड़ी गाते ना अपन, क्या गाते हैं, निर्ग्रंथता की भावना,
अब हो सफल मेरी आराधना में। अच्छा आप लोग राग अलग गाते हो ना, ये बच्चों का प्रिय प्रिय गाना है, प्रिय भक्ति, इसलिए मैं रोज गलवाती हूँ इन लोग के पास। अपन कल वापस मिलेंगे तब हम आठवां और नौवां सूत्र करेंगे इसी मंगल भावना के साथ। अभी हम सभी ने आदरणीय विदुषी जीनल बहन के माध्यम से तत्वार सूत्र दसवीं अध्याय की बहुत ही सुंदर कक्षा का लाभ प्राप्त किया है, और इसमें आप सभी को क्वेश्चन आंसर भी पूछे गए। लगभग लगभग सभी बच्चों को ये 9 सूत्र याद होना चाहिए। कल आपका टेस्ट भी होगा, है ना, क्विज भी होगी, इसलिए आप तैयार रहें। और आज भी अंताक्षरी प्रतियोगिता शाम को रखी गई है जो जीनल बहन के माध्यम से ही यहाँ पे संचालित होगी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय पंडित श्री बाबू भाई जी को, वो आए और हम सभी को कक्षा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से लाभान्वित करें। आदरणीय पंडित श्री बाबू भाई जी। अच्छे आने वाले हैं क्या?
नमः श्रीवर्धमानाय निधूतकलिलात्मने श्रालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तीर्थंकरो जगतना जयवन्तवर्तो ओंकारनाद जिननो जयवन्तवतो जिननासमो शरणसो जयवन्तवतो नितीर्थचार जगमा जयवन्तवतो सीमंदर मुख से फुलवा किरे एनी कुंद कुंद घूते माड़ रे जीन जीनी वाणी बली मन लागे रड़ी जेम सार समय सिर ताजरे जीन जीनी वाणी बली रे अड़े हजो मारा भावे हजो मारा ध्याने हजो जिन वाण रे जिन जिनी वाणी भली रे वाणी भली मने लागे रणी यम सार समय सिर ताजरे जिन जिनी वाणी भली रे गुरुदेवनी वाणी ना वायरा वाजो मने दिन रात रे जिन जिनी वाणी भली रे। बहु सुंदर समय छे, मौसम आवी छे, अने जिनेश्वर भगवान नी दिव्य धनी ना नाद आजे भरत भूमि पर भगवान कहीने बोलावनार एवा गुरुदेवनी वाणी 45 वर्ष सुधी अमृत दूत भयो। अनिल भाई ए अमृत नु पान करवा माटे पण आपणी परिणति सामर्थ बनी। भगवान ने वाणी मां शू आव्यु गुरुदेव ना शब्द में कि तुम परमात्मा छो ए निर्णय कर, परमात्मा छो ए निर्णय कर। कोनी वाणी में आव्यु? आ भगवान नी वाणी में। अने भगवान नी वाणी कुंद कुंद आचार्य देव साक्षात झीली अने अहीं आवीने परमागमो में भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा त्रण वखत कहीने कुंद कुंद आचार्य देव अमरचंद्र आचार्य देव ने तो जाहिरात करी। ए वाणी गुरुदेव पण साक्षात त्यां सांभळीने आव्या। बन्ने जीवो अतिशयोक्ति नथी, कोईने एम लागे के तमे आवुं बधुं क्यांथी लाव्या। ए बन्ने जीवोए यहाँ नहीं मळ्या, त्यां तो मळ्या था, पण ए भावो थी मिलान थयुं अने बधानो परिचय परमात्मानो सिमंदर परमात्मानो कुंदकुंद आचार्य देवनो अने जिनवाणीनो बधानो अनुसंधान करनार पूज्य गुरुदेव रमेश भाई ख्याल में आवे छे कि नहीं आवतो? अने वाणी ने एक ज प्रवचन में झीली लीधी अने अंदर में
भगवान आत्मा ने राग थी जुदो छे ए वात सांभळतो सौसरवट काळजे घा वागे ने अंदर मां उतरी गई अने अंतरनु मंथन करीने जेने स्वानुभूति नी प्रक्रिया थई गई। गुरुदेव तो समिति ने बोलाव आ बधु हंबक बनावटी नथी, आ वस्तु नु स्वरूप छे। ए वाणी ना झीलनार अंतर मा अनुभूति करीने जे अंदर माथी उद्गारो निकल्या यस हिंदी मा हाँ कोई हर्जा नहीं हाँ हिंदी मा कहीं वांधो नहीं हिंदी में सामने सोगानी जी के जो बोल है वो बोल में क्या है ग्रंथ का नाम है ऐसा उनमें भाव भरा हुए द्रव्य द्रव्य दृष्टि प्रकाश द्रव्य स्वभाव को प्रकाश करने वाला दृष्टि को बताने वाला द्रव्य स्वभाव को बताने वाली दृष्टि ए दृष्टि अने द्रव्य दोनों को प्रकाश करने वाला आ द्रव्य दृष्टि नाम का ग्रंथ है। एक दिन अपन स्वाध्याय किया था और अनमोल रत्न का खजाना है और अपने साधन में डोंट टॉक प्लीज और अंदर में से पूछा कि बोलो भाई कौन सा 645 बोल है और 745 बोलों से आप कौन सा स्वाध्याय आप आगे बैठा हो डोंट टॉक मेरा उपयोग बिगड़ता है आपका तो कुछ नहीं बिगड़ता है। बोलो भाई आप जो नंबर बोलो नंबर पर स्वाध्याय क्योंकि पूरा खजाना रत्नों से भरा है और रत्नों से भरा हुआ खजाना में हाथ डाले तो कोलसा आग नहीं निकलेगी अंदर में से रत्न ही हाथ में आएगा। सहज समुद्र उछड़ियो मोती तनाता जाए भाग्यवान कर वावले एनी मुठियो मोती भराए। आ तो भाई अनिल भाई आप भाग्यवान छे अने आ मुठी एटले आ नहीं हमारो उपयोग जहां लागो त्या अंदर में परमात्मा 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 तमे कौन छो आप कौन हो बालको कीवा हो जीव छु जीव हूं मैं परमात्मा हूं मैं भगवान हूं। परमात्मा में कुछ अधूरा नहीं होता है कमी नहीं होती है पूरा है। हमारे सिमंदर परमात्मा सिद्ध परमात्मा महावीर परमात्मा अपूर्ण है कि पूर्ण है जैसे वो परमात्मा पूर्ण है प्रकट पर्याय में ऐसे अंदर में देह दिवालय में चैतन्य देव पूरा भरपूर समुद्र है। बहुत अच्छे बोलो भाई आप जो बोल नंबर बोलो का फल स्वाध्याय करे अनमोल खजाना है और अपन भाई शैलेश भाई के माध्यम से भी उनका एक एक बोल के ऊपर स्वाध्याय भी हुआ है आपने सुना होगा और आज अपन फिर से वो बोलो का स्वाध्याय से अपन कर बोलो नंबर बोलो यानी भाई कोई भी बोले पहले तो पहला स्वाध्याय में तो उस साइड में से बोल नंबर आया था। हाँ? अरे क्यों बंद 645 बोल है उनमें बोल नहीं बोलना है खाली नंबर बोलना है। डॉक्टर साहब क्या बोलना है बोल नहीं बोलना है नंबर बोलना है खाली बोलो
73 73 नंबर का बोल। चलो भाई हम 73 नंबर का, हमारे भावी सिद्ध जो बनना चाहते हैं तो 73 नंबर में बोल में क्या निकलता है। 73 नंबर की समय सर की गाथा है, 73 नंबर की गाथा है। तो अभी अपन देखते हैं कि 73 नंबर के बोल में क्या आता है, मुझे भी पता नहीं है और पता अभी हो जाएगा। 73 नंबर की गाथा में क्या आता है, 72-73 में भगवान आत्मा अत्यंत पवित्र है, निर्मल है और रागादि परिणाम अत्यंत मलिन है, चैतन्य स्वभाव है, जड़ स्वभाव है। अंदर में पूरा वैभव से 73 नंबर का बोल। चलो भाई बच्चों की तरफ से आया है और हम 73 नंबर का बोल ऊपर ही स्वाध्याय करें। आ गया भाई देखो। हाँ बहुत अच्छी बात है, प्रश्न पूछा है और उसका उत्तर यहाँ आता है। प्रश्न अपनी तरफ से है और उत्तर है सोगानी जी की तरफ से। क्या पूछा, प्रश्न अपनी तरफ से है और उत्तर सोगानी जी की तरफ से है, क्या है? पहले प्रश्न, रामचंद्र जी को सीता के लिए लड़ने का भाव आया किसके लिए, क्या करने का भाव आया, लड़ने का भाव आया, परंतु धर्म राजा युधिष्ठिर को द्रौपदी की साड़ी खींचने जाने पर भी बचाने का भाव नहीं आया, इसका क्या कारण है? दो सामने दृष्टांत दिए, एक रामचंद्र जी का दृष्टांत दिया और एक धर्म राजा का युधिष्ठिर का, और दोनों में प्रक्रिया हुई है। एक को लड़ाई करने का भाव आया और धर्म राजा को साड़ी खींचने पर भी वो भाव नहीं आया बचाने का, क्या कारण है? भाई औदयिक भाव की चारा माने चाल अलग अलग होती है। औदयिक भाव की चाल एक सर की नहीं होती है, स्वभाव और स्वभावभूत भवन उनकी चाल एक सर की होती है। देखो भाई बहुत शांति का विषय है, जब आप एकदम उपयुक्त सावधान होगा तो अंदर में बहुत आनंद आएगा। उत्तर क्या है, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? दो पार्टी बताई, कौन सी दो पार्टी बताई? रामचंद्र जी का भाव नहीं आया, क्या कारण है? ख्याल में आया कि नहीं आया? दृष्टांत और सिद्धांत देखो, एक तो बात होती है जिनागम में वस्तु की सिद्धि, और वस्तु की सिद्धि चारों नियोग में होती है। अभी आपकी क्लास चली, उसमें क्या बात सिद्ध किया, बात क्या सिद्ध किया कि मुक्त जीव जिसका सर्व प्रकार का बंधन छूट जाता है तो वो सिद्ध बन जाता है। तो उनमें चक्र का, अग्नि का, शिखा का, अरंडा का, बीज का आदि का दृष्टांत दे करके सिद्धि की, सिद्ध भगवान कैसे हो, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि में वो तो दृष्टांत और सिद्धांत हुआ, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि उससे नहीं होगी, ज्ञान होगा। पिंकेश भाई ख्याल आवे छे, प्रयोजन की सिद्धि तो उनमें दो पार्टी नहीं, वस्तु की सिद्धि के लिए तो 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, द्रव्य गुण पर्याय है, स्वर्ग लोक अधोलोक मंडलोक सब सब है, द्रव्य है, गुण है, 6 कारक है, 7 तत्व है, पूरा तत्वा सूत्र है, प्रवचन सार है, पंचाशिका है, अनेक हजारों ग्रंथ है वस्तु की सिद्धि के लिए।
उसमें भी प्रयोजन तो आचार्य रखा है, लेकिन डायरेक्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए कौन चाहिए? प्रयोजन की सिद्धि के लिए तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमको प्रयोजन सिद्ध करना हो तो जीवादि सात तत्व बहिर्तत्व है। प्रभु आप तो एक एक अधिकार के ऊपर आपने पूरा ग्रंथ माने गाथाओं लिख करके सात तत्वों को सिद्ध किया रमेश भाई, और यहां आप बहिर्तत्व कहते हो। क्या कारण है कि वहां सात तत्वों सिद्ध करना था और यहां सात तत्व रूप तू नहीं है, तू तो एक ज्ञायक भाव है, वो सिद्ध करना है, वो प्रयोजन है। देखो भाई, बहुत अनिल भाई, बहुत गंभीर विषय है। आज जीवे अपने कोई किसकी बात करते हैं, आज जीव ने अनंत वार वस्तु की सिद्धि तो की, नवमी गृहिक गयो एव खते 11-9 पूर्व में कौन सी बाकी रह गया? ज्ञान में तो आया कि नहीं आया? सब वर्णन तो आया, कितना हजारों लाखों करोड़ों श्लोक अने कंठस्थ कसाई की ममता में शुक्ल शाखे परिणाम और बाहर की जिनागम युक्त, जिनागम से विरुद्ध हो तो बाउंड्री के बाहर है, जिनायगम युक्त क्रिया भी हुई लेकिन प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। पै निज आत्म ज्ञान, किसका ज्ञान? नहीं, निज आत्मा का, आत्मा का ज्ञान करना वो वस्तु की सिद्धि है और निज आत्मा का ज्ञान प्रदान करना वो प्रयोजन की सिद्धि है। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? लाइट नहीं, अरे प्रश्न तो याद रहा नहीं रहा, बीच में थोड़ी बात आई तो बहुत अच्छी बात। उत्तर, वह तो परिणामी की योग्यता है, परिणामों की योग्यता है। कौन सा? दो प्रकार के परिणाम, एक को लड़ाई करके सीता को वापस लाने का परिणाम और द्रौपदी को चीर खिते युधिष्ठिर को बचाने माने वहां परिणाम है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि परिणाम देखने की बात नहीं, वह तो परिणामों की योग्यता ही ऐसी भिन्न भिन्न होती है। परिणाम की योग्यता माने हरेक जीव के परिणाम स्वतंत्र रूप से क्रमबद्ध, आगे नहीं पीछा नहीं पहले नहीं बाद में नहीं, ऐसे परिणामों की हार माला लगी है। कैसे मालूम हुआ? कि परिणाम क्रमबद्ध होता है और स्वभाव अक्रम है, और अक्रम स्वभाव को जानने वाला का परिणाम, लेकिन द्रव्य स्वभाव को जानने वाला परिणाम की क्रमबद्धता का भी यथार्थ ज्ञान होता है। पर्याय का ज्ञान भी यथार्थ कब होता है? कि पर्यायवान ऐसा द्रव्य स्वभाव का आश्रय करता है तो परिणामों का और द्रव्य का दोनों का ज्ञान यथार्थ होता है, योग्यता होती है। अनेक प्रकार के कषाय भावों से जो होने वाले हैं वे होते ही है, दोनों ही औदयिक भाव के भाव है। औदयिक भाव के 21 भेद है, उनमें कषाय भाव भी आता है। बचाने का भाव आया और बचाने का भाव नहीं आया तो बनने ये भावो है, वो औदयिक भाव है, कषाय भाव है, वो अकषाय स्वभाव नहीं है, वितराग स्वभाव नहीं है,
और ऐसी परिणामों की योग्यता होती अपन को भी। आपको जानबूझ करके पाप करते हो को जानबूझ करके पुण्य करते हो सहज। अरे एकेंद्री जीव नर निगुण में भी जीव पुण्य और पाप के परिणाम होते हैं, वहां कोई बुद्धिपूर्वक नहीं करता है, सहज हो किसी। लेकिन पर्याय अनेक प्रकार की होती है, अनेक होती है, अनेक वहां केवल ज्ञान में तो एक ही प्रकार ये माने केवल ज्ञान केवल ज्ञान, लेकिन वो भी वो की वो नहीं वैसी की वैसी। तो वो परिणाम क्यों कायम नहीं रहा? क्योंकि परिणामों की योग्यता है, चाहे तो पूर्ण पर्याय हो चाहे तो अपूर्ण पर्याय हो, चाहे तो स्व की पर्याय हो चाहे तो पर की पर्याय हो, हरेक पर्याय स्वयं स्वतंत्र अपनी योग्यता से होती है। पर द्रव्य तो करता नहीं है, लेकिन अपने में रहने वाला द्रव्य और गुण भी वो पर्याय का करता नहीं है। दो बात, और पूर्व पर्याय का व्यय उत्तर पर्याय का उत्पाद वो भी भूतकाल की पर्याय का वर्तमान पर्याय छूती नहीं है, तद भाव अभाव है। माने पर्याय पर्याय के बीच में प्राग भाव प्रध्वंस अभाव, वो पर्याय पर्याय के भी थोड़ा शब्द बच्चों को ऐसा लगे प्राग भाव, आपको अभाव नहीं चला है मुझे पता है। अभी तो सात तत्वों के बारे में भी आपको पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह में प्रश्न उत्तर होता है तो मालूम पड़ जाता है कैसे हो जाता है। तो परिणाम में पूर्व का परिणाम की अपेक्षा नहीं, भविष्य में होने वाले परिणाम की अपेक्षा नहीं, तब तो एक समय की पर्याय की स्वतंत्रता सत और सत निराबाद होता है, सत निरपेक्ष होता है, स्वत को किसी पर द्रव्य की तो नहीं पर अपना गुण पर या कि गुण द्रव्य द्रव्य और गुण की भी अपेक्षा नहीं भाई तो है। और गुरु ने बहुत खुलासा किया है, बोलो कौन सा परिणाम अपन आगा पीछा करते हैं, कौन सी पर्याय को हम चेंज कर सकते हैं, नहीं समझ में आता है? कौन सी आवाज तो बराबर आविष भाई हाँ? नहीं आवाज मां तो गड़बड़ साइड हूँ। कई कौन सी पर्याय हम आगे पीछे, अरे जो आगा पीछा कोई कर सा है तो पहले अरिहंत भगवान कर देना कहे कि प्रभु आपको केवल ज्ञान हुआ और आप अभी अपनी सिद्ध पर्याय ला दो ने, अनंत वीर्य प्रकट हुआ है अनंत सुख प्रकट हुआ है तो आप ला दो ने, भगवान का दिव्य धोने के परिणाम स्वयं सत है और सत युधिष्ठिर और रामचंद्र जी को जो भाव आया दोनों का वो सब अपनी अपनी योग्यता से परिणमित होते हैं। न तो है सीता माता के कारण नहीं, न तो द्रौपदी के कारण नहीं, युधिष्ठिर को अपना परिणाम की योग्यता है और रामचंद्र को भी अपना परिणाम, वो तो हमारा दृष्टांत है। ऐसे यहाँ देखो तो आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है कि नहीं करना है, बोलो
कर लो। कौन मना करता है? वो परिणाम की योग्यता है, उस समय में होगी होगी और होगी। अच्छी बात है तो हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, तेरा अकर्ता स्वभाव है, त्रिकाण अकर्ता स्वभाव है, पर का तो करने का बाउंड्री के बाहर है। लेकिन पर जो होने वाली पर्याय है, आपको मिथ्यात्व का अभाव तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? व्यवहार ने से जिनागम में कथन पद्धति आती है तो अस्ति और नास्ति से कथन आता है। लेकिन एक गुरुदेव क्या करे, एक तिनका का दो टुकड़ा करने का हमारा सामर्थ्य नहीं है। एक पर्याय को आगे पीछे पहले पीछे करने का सामर्थ्य अनंत वीर्य के धारी भगवंत को नहीं है, और हम बड़ी दुनिया का काम कर देवे। रमेश भाई, कितना भगवान की वाणी और हमारा अभिप्राय में कितना अंतर है, क्या कहते हैं भाई? बहुत सुंदर बोल है, निश्चिंता करने वाला बोल है कि जिस समय में जो कार्य होने योग्य होता ही है, मैं तो त्रिकाण अकर्ता स्वभावी हूँ। परिणाम चाहे तो औदयिक भाव का परिणाम हो, उपसम भाव का परिणाम हो, क्षयोपसम भाव का परिणाम हो, क्षायिक भाव का परिणाम हो, अर्यंत दशा का परिणाम हो, सिद्ध दशा का परिणाम हो, लेकिन परिणाम अपनी योग्यता से होता है। मैं तो त्रिकाण अकर्ता स्वभावी हूँ। आज दृष्टि का विषय है, और यहाँ से वो दृष्टि का विषय निकले, थोड़ा बच्चों को ट्रप पड़ता है, मेरे ख्याल से इधर उधर उपयोग कर लगता है। आप बच्चे नहीं हो, मुझे समझना है कि मैं कौन हूँ, परिणाम कौन है। परिणाम बदलने वाले है, और मैं बदलने वाला नहीं हूँ। जैसा और वैसा का वैसा हो, और परिणाम बदलते जाते हैं, इसीलिए मैं परिणाम का कर्ता नहीं हूँ, ऐसा अकर्ता। दोनों विकारी भाव को बता करके, परिणामों की योग्यता बता करके, मैं अपरिणामी तत्व हूँ, ऐसा बताने का प्रयोजन है। रमेश भाई, निकले छे कि नहीं निकलते अंदर में? अनेक प्रकार के कषाय भावों में से जो होने वाले हैं वो होते हैं, उसको करे, उनको करे, छोड़े क्या, परिणाम को करे या छोड़े, सम्यक तत्व को करे, मिथ्यात्व को छोड़े, कषाय को छोड़े और वितरागता प्रकट करे, वो तेरा अधिकार की बात नहीं है। तो वर्तमान में क्या करे कि कुछ नहीं करना, उसका नाम पुरुषार्थ है। वो आया है उसमें भी बोल कि हम क्या करें कि करना वो पुरुषार्थ नहीं है, न करना वो भी पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन मैं तो सदाकार निष्क्रिय अकर्ता स्वभावी हूँ और हूँ, ऐसा प्रथम निर्णय कर। परिणाम सक्रिय है और मैं तो निष्क्रिय हूँ। सक्रिय परिणाम स्वयं स्वतंत्र होते, दोनों का दृष्टांत दे करके परिणामों की स्वतंत्रता, परिणाम निरपेक्ष है और वो परिणामों से मैं निरपेक्ष हूँ, ऐसा द्रव्य स्वभाव का आश्रय करता है, उनकी परिणति भी सम्यक रूप परिणमन होती है। सम्यक दर्शन के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता है, वितरागता के आश्रय से वितरागता प्रकट नहीं होती है, केवल ज्ञान के आश्रय से केवल ज्ञान नहीं। लेकिन मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, मैं वितरागी स्वभावी हूँ, मैं निष्क्रिय तत्व हूँ, मैं अपरिणामी तत्व हूँ, ऐसा स्वीकार करने से परिणामों में थवा युग होने योग परिणाम होते हैं और होते हैं, उनका मैं तो सदाकार अकर्ता अकर्ता अकर्ता। दृष्टांत दोनों औदिक भाव का दिया और सिद्धांत में परिणामों की योग्यता बताई,
और परिणामों की योग्यता के द्वारा मैं तो अपरिणामी तत्व हूँ, वो बात सिद्ध कही है। हाँ, तो देवेंद्र भाई शैली अलग छे, अने गुरुदेव ने जो बात बताई है, अंदर में 320 नंबर की गाथा को याद कर लो भाई, बंद और बंद का परिणाम, औदयिक भाव बंद का परिणाम है, और बंद और बंद का परिणाम, और मोक्ष का परिणाम, वो सक्रिय है और मैं उनसे निष्क्रिय शून्य हूँ। 320 नंबर ये गाथा, जैसे नाचरदेव की टीका, और उसके ऊपर गुरुदेव के 12 प्रवचन हुए है एक गाथा के ऊपर। सोनगढ़ में क्लास था 18 दिन का, 21 दिन का, उस समय में 320 नंबर की गाथा लिए थे। वैसे तो बहुत दफे राजकोट में और 320 नंबर की गाथा, जैसे नाचरे की टीका। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आप क्यों बोलते हो, हमने उस साइड में देखा, समझने लायक है, नहीं समझ में आवे ऐसे उनको आप पूछ दो, उसके ऊपर पोताद लगा दो, क्योंकि अंदर में समझ का पिंड है, ज्ञान पिंड है, चैतन्य है, अनंत संपदा से भरा हुआ है, और वो बात समझ में क्यों नहीं आएगा? गुरुदेव तो क्या कहते हैं, क्यों पढ़ने की बात और नहीं समझ में आया, ऐसी बात बाउंड्री के बाहर रख दो। सुनकर का कंपाउंड भी हो रही है, वो नहीं है ऐसे। यहाँ चैतन्य धाम विश्रांति ग्रह है, ख्याल में आया कि नहीं? विश्रांति लेना हो, शांति लेना हो तो कहाँ जाना? चैतन्य धाम में विश्राम, वो विश्रांति का स्थान है, और बाहर में तो घूमने का स्थान है। अभी बुलाए हैं कि चार गतियों में घुमा, तो आप कौन सी गति में हो? अभी आपको हमारी टोन समझ में नहीं आया। नारक नहीं तिरियंच मानव देव पर्याय हो नहीं, भैया तो द्रव्य दृष्टि से करता न कारे तान अनुमंता में करता का नहीं। मैं बाल युवा, अपन सुबह में पूजन में आता है थक नहीं आता, ऐसा मानता मैं बालक हूँ, युवा हूँ, काला हूँ, गोला हूँ, वो तो मानने वाला पर्याय में मिथ्या अभिप्राय है। मेरा स्वभाव में तो वो मिथ्या अभिप्राय का भी अभाव है, और ऐसा स्वभाव का आश्रय करने से मिथ्या अभिप्राय मिटता भी, टाइम हो जाए तो कह देना, नहीं तो आ गाड़ी ऐसी है ने, मुझे टाइम का ही पता नहीं रहेगा, कोई हर्जा नहीं। तो उसमें अनेक प्रकार के कषाय भावों में से जो होने वाले हैं वो होते हैं, करते हैं क्या होते हैं, करते हैं और होते हैं में, करते हैं में कर्तृत्व बुद्धि है, और होते हैं वो सहजता है। जैसे कषाय भाव होने योग्य होते हैं, वैसे उपसम भाव, क्षय उपसम भाव, क्षायिक भाव, औदयिक भाव होने योग्य होते हैं। मैं उनका कर्ता नहीं हूं, वो अकर्ता स्वभाव की दृष्टि हुई तो दृष्टि पवित्र हुई, ज्ञान पवित्र हुआ तो परिणति में भी पवित्रता प्रकट होती ही है, होती है, करता है तो होती है कि सहज होती है। गुरु कहे सहज का धंधा, जो जाने सो मस्ताना, हाँ सहज का धंधा है, होती है। उनको करे छोड़े क्या, हम मिथ्यात्व को छोड़े और सम्यक्त्व को छोड़े क्या, प्रश्न पूछा है, वो वस्तु स्वभाव में है नहीं। सम्यक दृष्टि तो परिणाम मात्र से भिन्नता रहती है, सम्यक दृष्टि की परिणाम कैसे रहते हैं के पर्याय मात्र से, सम्यक दृष्टि को परिणाम मात्र से भिन्नता रहती है,
मैं करने वाला ही, बोलो क्या लिखा है, कथनचित करने वाला और कथनचिता करने वाला, वहां कथनचित नहीं है और कथनचित शब्द का प्रयोग जो ज्ञान में होता है, दृष्टि में कथनचित, थोड़ा बच्चों को अभी नए नए हैं समझना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे तो 8 साल का बालक भी वस्तु स्वरूप को समझ करके अंदर में उतर जाते हैं और अंदर में भगवान आत्मा का दर्शन हो सकता है। जो चाहो अपना कल्याण, अपना सुखी होना हो। आज सुबह में 2 प्रकार की तो चर्चा चल रही थी, पुण्य और पाप, उसका फलो और उसका क्या है, लेकिन शुद्धोपयोग जो अपना आत्मा के आश्रय से होता है, वो शुद्धोपयोग भी पवित्र पर्याय है। वो शुद्धोपयोग के आश्रय से शुद्धोपयोग नहीं होता है। शुद्ध स्वभाव जो है, द्रव्य स्वभाव सदाकार एक रूप है, वे परिणाम मात्र से भिन्न है। ऐसी दृष्टि होती है तब दृष्टि सहज ही स्वभाव तरफ झुकती हुई उत्पन्न होती है। ज्ञान स्वभाव तरफ झुकता हुआ उत्पन्न होता है। स्थिरता स्वभाव तरफ बनती है, तब अंदर में सुख का मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की पवित्र पर्याय प्रकट होती है। प्रकट करना चाहे तो नहीं, चाहना वो तो अलग है और प्रकट होना वो पुरुषार्थ का काम है। चाहना वो विकल्प है और वस्तु निर्विकल्प है। हाँ तो भाई, कोई गजब नहीं बात है। द्रव्य दृष्टि प्रकाश माने पूरा निज वैभव को प्रकाश करने वाला, उसमें बोल है और कोई भी बोल होवे तो उनमें से मैं परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण, मैं निष्क्रिय तत्व, परिणाम सक्रिय है। बंधन है बंध का परिणाम, मोक्ष है मोक्ष का परिणाम, वो भी सक्रिय परिणाम है। और मैं तो सदाकाल, शैलेश भैर के स्वाध्याय में निष्क्रिय और सक्रिय के बारे में 1 घंटा चला था, 2 शब्द के ऊपर, निष्क्रिय और सक्रिय। वहां था निष्क्रिय का बोल और वहां से निकाला सक्रिय रूप में नहीं हूं। और ऐसे 5 बोल भी, निष्क्रिय के वाले 5 बोल भी लिखाए थे कि आप अपनी नोटबुक में लिख करके करो। वो वस्तापुर स्वाध्याय के समय में हुआ था। भाई योग बनना बहुत मुश्किल है और ऐसी बात सुनने का मनना भी बहुत मुश्किल है। ज्ञान प्रदान शैली से आगम पद्धति को तो जानता है, लेकिन प्रयोग नहीं करता है तो जानने वाला ज्ञान मात्र क्षय समय रह जाता है, धारणा ज्ञान में हो जाता है, और क्षय संभाव तो गेय का भेद में जाता है, क्योंकि द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ हो, उनसे अंदर में अतिंद्रिय ज्ञान भिन्न है, अतिंद्रिय ज्ञान स्वभाव भिन्न है। और प्रयोजन तो ऐसे स्वभाव के आश्रय होता है। मैं करने वाला नहीं हूं ऐसा रहना खास बात है। दोनों दृष्टांत औदयिक भाव का बता करके दृष्टांत में से सिद्धांत परिणामों की योग्यता बताई और परिणामों की योग्यता के बाद मैं परिणाम जीतला नहीं हूं, मैं तो सहज निष्क्रिय तत्व हूं, ऐसी बात को वो बोल में सिद्ध किया है। ऐसी यहाँ सुंदर बोल है, एक एक बोल शब्द बहुत कम है, लेकिन हजारों ग्रंथों का द्वादशांक का सार वाला भी बोल के, द्वादशांक का सार कितना, तो मैं अपरिणामी तत्व हूं ऐसा निर्णय करना, वो द्वादशांक का सार है। परिणाम मात्र पर द्रव्य है और स्वद्रव्य ऐसा मैं निष्क्रिय तत्व हूँ, चैतन्य तत्व हूँ, विज्ञान घन हूँ, अनादि अनंत हूँ, एक रूप हूँ, परम परिणामिक बाहु, त्रिकाण शुद्ध हो, अनादि अंत, सर्व प्रकार से बंधनों से मुक्त,
अबद्ध स्वभावी, अनन्य स्वभावी, नियत स्वभावी, अविशेष स्वभावी, ऐसा में अंदर में परम चैतन्य तत्व, ऐसे ही बात को बताने वाले हमारे पंच परमागम हैं और गुरुदेव हैं, और गुरुदेव ने ऐसी मंगल प्रभावना के द्वारा आज अपन को यहाँ शिविर मात्र आगम पद्धति वाली शिविर अलग होती है, वहां तो पाठ बुलाया, पाठ सिखाया, याद करो इतना करो इतना, और यहाँ तो अध्यात्म शिविर है कि आगम के अभ्यास के साथ अंदर में अध्यात्म की सुगंध भर जावे तो अनुभूति हुए, आगम का ज्ञान से वस्तु की सिद्धि होगी और अध्यात्म का ज्ञान से प्रयोजन की सिद्धि, दो प्रकार की सिद्धि। आगम का ज्ञान बिना एटले के वस्तुनी सिद्धि किए बिना प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, और प्रयोजन की सिद्धि नहीं करे तो अकेला आगम ज्ञान क्षयप्सम में जाएगा और थोड़ा काल में वो साफ हो जाएगा, वो कायम नहीं रहेगा, और अध्यात्म के साथ जो स्वानुभव जनित ज्ञान, अतीन्द्र ज्ञान, भाषित ज्ञान, वो केवल ज्ञान का एक अंश है तो केवल ज्ञान को बुलाता है, वो ज्ञान बढ़ता जाता है और पूर्णता को प्राप्त होता है, ऐसे मंगल भावना के द्वारा तोहते नंबर का बोल है। और बच्चों ने जो कहा था, दृष्टांत भी आया, पर्याय का स्वरूप भी आया, और द्रव्य स्वभाव का आया, और द्रव्य स्वभाव का आश्रय कराने वाला ऐसा महामांगली का बोल है। बोली जिनवाणी मातनो, किसकी ताली बजाई, किसकी ताली बजाई, किसकी ताली बताई, अपना ध्यायक प्रभु आता हम वंदनीय है, प्रशंसनीय है, बाकी तो क्षय समझान प्रशंसनीय नहीं होता है। हो गया, मुझे पता नहीं, टाइम तो हो गया,